गोबर, चिपरी गोबर, इधर गोसा, ऐसे गोसा गोसा ये है। हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, आई होप ठीक ठाक होंगे। तो मैं भी ठीक ठाक हूँ, सबकी दुआ कृपा से। आज मैं हरियाणा के गांव में आया हूँ, क्योंकि यार उतना दिन से 3-4 दिन हो के लगभग काम से टाइम ही नहीं मिल रहा था कि कब बनाओ ब्लॉग वीडियो, कब बनाओ, कब बनाओ कोई सा ब्लॉग वीडियो अच्छा से शूट करो आप सबके लिए, तो टाइम था ही नहीं मेरे पास। तो आज मैं आया हरियाणा का एक गाँव में काम करने, तो सोचा एक वीडियो ब्लॉग छोटा तो बना लो आप सबके लिए। इस ब्लॉग में मैं आप सबको बताऊंगा कि हरियाणा और बिहार गाँव में क्या फ़र्क है। मैं इस चीज़ का आप सबके पास खुलासा करूँगा कि क्या फ़र्क है। सब कुछ अपनी तरह है, कल्चर सब चीज़, इसीलिए तो मैं 2 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ कि कोई मतलब गांव का याद बिल्कुल बिहार की तरह ही है यार। हरियाणा मानो तो सब चीज़, हर चीज़ बिहार की तरह ही है, धान खेत कूद हर चीज़, खाना पीना, लैंग्वेज में थोड़ा सा फ़र्क है और घर में फ़र्क है बस, और बाकी सब कुछ है। इसी के बारे में बात करेंगे हम लोग, तो आप लोग वीडियो में बने रहना। दिखाता हूँ आप सबको मैं हरियाणा का गांव कैसा हरियाली से हरा भरा है। मेरा बिहार में भी हरियाली से हरा भरा है। यहाँ पे मेरा कोई ट्रिपोर्ट विपोर्ट नहीं है, ऐसे आया था मैं, ना माइक है ना कुछ, तो थोड़ा सा वीडियो इधर उधर बने तो इसके लिए सॉरी। आप लोग माफ कर देना, कोई देख लेना मेरा वीडियो, सपोर्ट कर देना। तो दिखाता हूँ आप सबको पहले मैं गाँव, तो गांव और खेती बाड़ी दिखाता हूँ, तो आप लोग देख लीजिए। पहले खेत देख सकते हैं, हम लोग पोखर बोलते, तालाब बोलते, इधर ये नाली का पानी जाता देख सकते हैं। ये है नाली की नुली की, ये देख सकते हैं ना, रोटों में पानी, गली में पानी। तो दोस्तों इतना सा फर्क है, इतना सा। यहाँ मेरे तरफ झुग्गी झोपड़ी है, फूस का घर, इधर मकान है बस, खेती बाड़ी हर चीज़। ये अमरूद का पेड़ है, हर चीज़ बिहार की तरह ही मुझे लगता है, कोई चीज़ का फ़र्क नहीं लगता मुझे यहाँ, देख सकते हैं आप लोग, है कोई चीज़ का फ़र्क। ये रहा आप सबको, दो 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 रेहरी लगा हुआ, एक बैल से चलता हो रेहरी, और रेहरी दिख ही रहा होगा। गोबर, हम लोग चिपरी बोलते, ये गोबर है दोस्तों, देख रहे गोबर, चिपरी गोबर, इधर गोसा, ऐसे गोसा गोसा, ये है बहनने वाला गाय, गाय भैंस बैल को बांधने वाला गुहाल, ठीक। और ये गांव आप सबको ऊपर से भी दिखाऊंगा, ये देख सकते हैं कोई कपड़े ही कर रहे हैं, तो देख सकते हैं। तो आप सबको ऊपर से मैं दिखाता हूँ, ऊपर चढ़ते, ये मेरा पैरी है और ये ऊपर जा रहा हूँ, तो ऊपर से दिखा, ऊपर आगे देख सकते, ऊपर में हूँ मैं यार, क्या तो मज़ा आ रहा है। 2 साल से गांव नहीं गया, गांव है मैं अपने बिहार की तरह ही है, ये भी देख सकते, मैं छत पर ऊपर हूँ। ये तालाब है, नाली का पानी जाता है, आप सबको ऊपर सब अच्छे से दिखा देता हूँ, ये देख सकते छत के ऊपर, ये गौसा, हर चीज कल्चर, हर चीज़ सही है दोस्तों, देख सकते हैं। खेती बाड़ी देख लो, है ना, क्या चीज़ क्या फ़र्क है आप सबको बताने हैं। घर का ये ट्रैक्टर देख सकते हैं ना पानी, ये हुआ घर का टाल बोलते, ये भूसी है, मैं छत के ऊपर हूँ, देख सकते, देख ले दोस्तों। भाई क्या करो यार, टाइम भी तो इंसान के पास रहना चाहिए। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबको ये मेरा बात और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। तो दोस्तों देख सकते हैं, आप सबको कमेंट करके बताना है बिहार और हरियाणा का गांव में क्या फ़र्क है, घर का फ़र्क है या गाय भैंस माल जाल और कुछ है, खेती बाड़ी क्या चीज़ का फ़र्क है, ये सब बताना है मुझे। तो यहाँ सिर्फ घर, घर के सिवा और कुछ नहीं, घर ही सिर्फ मुझे यहाँ पर फ़र्क दिखता है और कुछ नहीं। हर चीज़ इंसान का सर
यहाँ पे आंटी सब भी जाती काम करने, खेतों में घास लाती है, गाय को दोहती, दूध निकालती गाय का, फिर गोबर, गोबर को चिपरी बनाते, हर चीज़ यहाँ पे मुझे बिहार की तरह लगती, गांव की तरह ही। तो इतना सा फ़र्क मुझे गांव का, मैं सिर्फ मकान का घर है बस, मेरी तरफ फूस है, झोपड़ी है ज़्यादा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आप सबको। तो दोस्तों, मैं तो ऐसे धमाकेदार वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन ऑन कर दे, जिससे कि मेरा वीडियो आप तक पहुंच जाए, आप लोग एंजॉय कर सके, 2 मिनट 3 मिनट जितने मिनट का वीडियो बन जाए। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर दूसरा ब्लॉग में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।